पुलिस ऑफिस के अकाउंटेंट के सरकारी आवास पर 4,80,000 की चोरी बरेली। पुरानी पुलिस लाइन के क्वार्टर से चोरों ने पुलिस ऑफिस में तैनात असिस्टेंट अकाउंटेंट के घर से दिन दहाड़े ताला तोड़कर घर में रखे 4,80,000 रुपए चुरा ले गए। ममता शर्मा एसएसपी ऑफिस में असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर है और पुरानी पुलिस लाइन में रहती है। आज सुबह 9 बजे वो ऑफिस गई, उनके पास पड़ोसी का फोन आया कि आपका घर खुला है। वो दौड़कर क्वार्टर पर गई तो देखा कि अलमारी और बेड का सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी में रखे 4,80,000 रुपए गायब है। मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई है। सुबह 9:30 बजे ऑफिस निकली यहाँ से, जैसे डेली जाती थी, और करीबन 12:45 के लगभग मेरे नीचे से फोन आया कि मैडम आपका घर खुला पड़ा है, आप जल्दी ऑफिस से घर आइए। तभी मैं तुरंत ऑफिस से घर आई, घर आके देखा तो पूरा बेड, डाइनिंग रूम का बेड, रूम का बेड, अलमारी का ताला टूटा हुआ, पूरा सामान बिखरा पड़ा था। और अभी मैंने फिलहाल में एक मकान लिया है जो लोन हो गया है मेरा सैंक्शन, उसकी 11 तारीख को रजिस्ट्री थी, पहले नवरात्रि में, दूसरे नवरात्रि में लगभग। तो 2.5 लाख रुपए मैंने अपने घर से भाई से मंगाए थे परसों, वो रखे थे, 2 लाख रुपए मैंने और अरेंज करा था, और करीबन 28 या 30 हजार के लगभग रुपए थे, 30 हजार थोड़े से 100-200 कम भी हो सकते हैं, वो खर्चे के लिए अलमारी में अलग से रखे थे। इतना सामान गया है बस, इसके अलावा कोई और सामान नहीं। कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं? कोई ज्वेलरी सिर्फ कैश गया है। टोटल कितना कैश है? टोटल 4.5 और ये 30 हजार से 100-200 कम भी हो सकते हैं, 4.5 के आसपास में। तो आपके पति किस विभाग में? पहले अनमैरिड। अच्छा, आप किस पद पर हैं? मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ एसएसपी ऑफिस में। ये पुरानी पुलिस लाइन में हमारे अकाउंट ब्रांच में क्लर्क हैं, उनके घर पे चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें 4.5 लाख रुपये एक और 30 हजार अलग रखे हुए थे, जिसमें टोटल 4,80,000 रुपये चोरी होने की बात सामने आई है। ताला तोड़ के मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। हाँ, ये ऑफिस गई थी 9:30 बजे, जो रूटीन में इनका ऑफिस जाने का समय, 9:30 बजे ऑफिस से निकली है, 12 बजे इनको सूचना मिली कि घर का ताला खुला पड़ा है। आई तो उन्होंने देखा, तब इन्होंने पुलिस को।